सुजानोट सूचना में आपका स्वागत है। नगर परिषद के कर्मचारी व उसके लड़के के साथ कथित तौर पर मंगलवार की रात को गांधी चौक में हुए अभद्र व्यवहार और मारपीट की बात को लेकर नगर परिषद के सफाई कर्मचारियों ने हंगामा कर दिया। इस हेतु सभी नगर परिषद सफाई कर्मचारी गांधी चौक से एकत्रित होकर रैली के रूप में नारेबाजी करते हुए नगर परिषद कार्यालय पर पहुंचे और गेट पर ही धरना शुरू कर दिया। काफी देर तक नारेबाजी होने के चलते मीटिंग को बीच में ही छोड़कर आयुक्त सोहनलाल धरनार्थियों के बीच पहुंचे और धरना प्रदर्शन कर रहे लोगों के बीच में ही बैठकर वार्ता शुरू की। लेकिन प्रदर्शनकारी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर अड़े रहे और कहा कि जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक हम लोग सफाई कार्य का बहिष्कार करेंगे, क्योंकि हमारी सुरक्षा की समुचित जिम्मेदारी नगर परिषद की ही है। काफ़ी देर तक बात न बनने पर आयुक्त ने प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधिमंडल को वार्ता के लिए आमंत्रित किया, जिस पर सफाई कर्मचारियों की ओर से आयुक्त सोहन लाल, सभापति प्रतिनिधि मोहम्मद इदरिस गोरी, उपसभापति अमित मारोटिया, लक्ष्मीपत प्रजापत आदि के साथ वार्ता की गई। सीआई किशन सिंह भी मई जाप्ते के मौके पर पहुंचे। उन्होंने बोला कि यार ये क्या कर रहे हैं, चलो हम तो ऐसे ही करेंगे। अब आपकी मांग क्या है? रात में जवाब दिया मैंने। मैडम क्या नाम आपका? ममरी। क्या हुआ था आपके साथ? मेरे को गाड़ी गलोच काटी, बोले गाड़ी गलोच काटी और मेरे लड़का को मारा। मेरे लड़का को मारा किसने? गांधी चौक का मान किसने मारा? ना तो मैं कौन जान सा मारा, ना तो मैं कौन जान सा लड़के को मारा। बता जावेद बुटा किसने मारा? चाबी है, चाबी का नाम है, ये बबनी चाबी का नाम है। एक तो शायद हो, एक शायद। वहीं प्रदर्शनकारियों की ओर से फुकरा जमादार, श्रवण श्योता, दीनदयाल श्योता, प्रदेश श्योता, ओम प्रकाश ऑपरेटर हेमंत मलादी ने वार्ता की। आयुक्त की ओर से सफाई निरीक्षक कलजीत सिंह की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस को आरोपियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई को लेकर अनुरोध किया गया। वहीं आयुक्त ने बताया कि नगर परिषद के कर्मचारियों की गरिमा हमारी स्वयं की गरिमा है, इसको लेकर किसी भी सूरत में हम समझौता नहीं करेंगे और किसी भी हालत में सफाई कर्मचारी की गरिमा को कम होने नहीं दिया जाएगा। वहीं प्रदर्शनकारियों में से विश्वदेव, भवनलाल, सुभाष, तेजस्वी आदि लोगों ने बताया कि मंगलवार की रात को जब गांधी चौक में भंवरी देवी और उसका लड़का अमरचंद सफाई कार्य कर रहे थे तभी चार लोगों द्वारा उनके साथ कथित रूप से अभद्र व्यवहार मारपीट की गई। वहीं चारों आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सभी लोग एडीएम कार्यालय भी गए। वहां पर उन्होंने ज्ञापन देकर एडीएम अनिल कुमार मेला से कानूनी कार्रवाई की मांग की, जिस पर एडीएम ने जल्दी समुचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। हम मेरे को संबंधित एसआई और जमादार ने रिपोर्ट दी है कि भी रात को सफाई कर्मचारी के साथ अभद्रतापूर्ण व्यवहार कुछ व्यक्तियों द्वारा किया गया है। इस संदर्भ में कर्मचारियों से वार्ता भी की गई है और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो इसके लिए कानूनी कार्रवाई के लिए संबंधित थाना अधिकारी को निवेदन किया गया है। और मेरे सफाई कर्मचारियों से भी यही अपील है कि भाई आप लोग काम करें और जो भी उचित कानूनी कार्रवाई है इस संदर्भ में हमने थाना अधिकारी को निवेदन किया जा चुका है और उचित कार्रवाई होगी। पूरा नगरपालिका प्रशासन कर्मचारियों के साथ है। राज को जो घटना हुई है, जो भी सुजानगढ़ के अंदर एक महिला सफाई कर्मचारी के साथ में, जो बहुत ही बड़ा अपराध है, मैं नगर परिषद के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ सफाई कर्मचारी यूनियन की तरफ से कि जो भी रात में जो घटना को जो अंजाम दिया है उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए तथा नगर परिषद द्वारा सरकारी तरफ से मुकदमा किया जाए, एटोसिटी का मुकदमा लगना चाहिए और जो भी अपराधी है उनको तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार किया जाए। जब तक उन लोगों की गिरफ्तार नहीं होती है तो सुजानगढ़ का नगर परिषद का तमाम सफाई कर्मचारी, चाहे ठेके पर हो चाहे सरकारी कर्मचारी हो, हम कार्य का बहिष्कार करेंगे जब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है तब।